कोटा जिले की दिगो तहसील में ट्रेजरी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। केथुन पुलिस ने बताया है कि कोटा ग्रामीण जिले के जालखेड़ा निवासी सुरेश चंद मालव दिगो तहसील में ट्रेजरी विभाग में कार्यरत था। सुरेश के सप्ताह में एक दिन कोटा में ड्यूटी लगती थी, इसीलिए वह कोटा में आया हुआ था। उसकी कोटा में अचानक तबीयत बिगड़ी तो वह अपने गांव चला गया। वहां उसके सीने में तेज दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे परिजन केथुन के अस्पताल लेकर गए। चिकित्सक ने जांच करने के बाद उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया। उसे परिजन कोटा में तलमंडी स्थित सुधा हॉस्पिटल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में मर्ग दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। क्या करते थे ये? कर्मचारी थे तो विभाग की बात करो, न्याय विभाग ने ट्रेजरी गोसाले कर्मचारियों को पेमेंट दी जाती है। उनके थोड़ा यहाँ जले में गले में जलन हुई और थोड़ा दर्द यहाँ हुआ, फिर खेतों ले गए। ऑफिस में बैठे बैठे उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई।